मैंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है, मैं डबल एमए हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डबल टाइम डीएड भी हूँ, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं 13 साल एज ए कंट्रैक्टर लेक्चर रहा, डिफरेंट डिग्री कॉलेज जो यूटी हैं उनमें मैंने काम किया है, इवन जम्मू डिवीजन में मैंने काम किया है। प्रेजेंटली जो है मैं रेडियो पे काम कर रहा हूँ। खजूर है हमारे पास, काजू है, किशमिश है, कश्मीरी सत्तू भी हम बेचते हैं, ये खास कर हमारे लिए है, कश्मीरी सत्तू बेचते हैं हम, मिक्सड फ्रूट बेचते हैं हम, जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे बेचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके सर मतलब झुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, रो पड़ते हैं, हमें भी रोना आता है, हमें भी, हमारे फादर्स ने हमारे, मैं कश्मीर का वाहियत वो स्कॉलर हूँ रैली, जिसको दिल्ली से 38 पेपर्स का अप्रूव्ड काउंसलर बनाया गया है। अगर आप जानना चाहते हो मैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं, 38, जबकि 4 सब्जेक्ट से एक इंसान पढ़ा सकता है, मुझे 38 पेपर्स का दिल्ली से अप्रूव्ड हूं मैं। कुछ बच्चे ऐसे भी है जो मुझसे पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में, डॉक्टर मंजूर हसन, प्रेजेंटली जो है मैं रेडियो पे काम कर रहा हूँ। मैंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है, मैं डबल एमए हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डबल टाइम डीएड भी हूँ, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं 13 साल एज ए कंट्रैक्टर लेक्चर रहा, डिफरेंट डिग्री कॉलेज जो यूटी हैं उनमें मैंने काम किया है, इवन जम्मू डिवीजन में मैंने काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त के बाद जो हमें 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने की सैलरी मिलती थी, उससे हमारी जो फैमिली सफ़र होती थी, एंड हमारी फैमिली जो सफ़र होने की वजह से हमें ये काम करना पड़ा। हमने ये जो है, खजूर है हमारे पास, काजू है, किशमिश है, कश्मीरी सत्तू भी हम बेचते हैं, ये खास कर हमारे लिए है, कश्मीरी सत्तू बेचते हैं हम, मिक्सड फ्रूट बेचते हैं हम, जितने भी स्पाइसेस है वो सारे बेचते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो मिक्सड फ्रूट्स है, वाटर है, ड्यू है, हम सारा कुछ, हमने एक छोटा सा शॉप बनाया है इसको, जितने भी चीज़ें हमारे जो कस्टमर आते हैं उनको मांगते हैं तो हम उसको अवेलेबल करते हैं, इंजीर हो या कोई भी चीज़ हो कि हम इसको अवेलेबल कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके सर मतलब झुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, रो पड़ते हैं, हमें भी रोना आता है, हमें भी, हमारे फादर्स ने, हमारे जो फादर पेरेंट्स हैं उन्होंने बड़े ख्वाब देखे थे कि 4 बजे के बाद हमारा बेटा घर पे होगा, मैं 9 बजे पहुंचता हूँ, यहाँ से 2 घंटे मुझे लगते हैं अपने घर तक पहुंचने में, कभी 10 बजे भी पहुंचता हूँ, सुबह 6:30 बजे में घर से निकलता हूँ। मुझे नहीं होता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा, मुझे जो पिच जो बात करते हैं मुझे भी अपनी पेरेंट्स की करते हैं कि उन्होंने इतना पैसा, 30 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया है, नॉट अ जोक कि आज मैं अपनी बेटी को, मुझे 2 बेटियां हैं, मैं आज अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ तो 1 साल में कम से कम 1-2 लाख रुपए उनको लगते हैं, लेकिन मेरे पापा ने मुझे 30 साल पढ़ाया है, वो 30 साल में उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे, खाली इसलिए कि मेरा फ्यूचर है ये, लेकिन मैं उसका फ्यूचर ना बन सका, मैं अपना फ्यूचर बर्बाद हो रहा है मुझे, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ तक आ गए कि इससे नीचे भी आगे, खुदा ना खास्ता अगर इससे नीचे भी आना पड़े तो अपनी फैमिली सर्वाइव करने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, ये तो नेचुरल सी बात है। अगर बात करें गवर्नमेंट की तो सुबह कुछ ना कुछ उल्टा होगा, ये तो सारा, जब उनके पास इतना है ही नहीं तो वो एक स्टूडेंट को पीएचडी तो यूनिवर्सिटी से ही होता है, वो तो गवर्नमेंट की होती है ना, वो कराते क्यों हैं, वो पढ़ाते क्यों हैं, इतने पास आउट क्यों होते हैं, उनको ऐसा क्राइटेरिया रखना चाहिए ना कि ये बच्चों को उतना लिमिट में ले जिनको वो जॉब ही दे सके, प्राइवेट ही जॉब दे सके। अगर मैंने 13 साल तक कॉलेज में पढ़ाया, मैं लेक्चरर था, पीएचडी था, सारे क्वालिफिकेशन मेरे पास थे, और गवर्नमेंट ने मुझे ऑन किया है कि ये पढ़ाने के काबिल है, मतलब मेरिट लिस्ट बनता था हमारा, आज 13 साल के बाद मैं कुछ नहीं हूँ। हमारी बीवी होती है, जब वो बूढ़ी हो जाएगी उसको फेंक देंगे, फिर डज इट मीन कि अगर हमारा बच्चा जो है, हमारे माँ बाप है, उन्होंने हमने इतना पाला है उस, इसीलिए कि ताकि ये कल हमारे बुढ़ापे में हमें काम आ जाए। लेकिन अब 13 साल तक हमने काम किया, 13 साल के बाद हमें अब कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं। मैंने एक पीएससी का इंटरव्यू भी दिया, 2 बार दे चुका हूँ पीएससी का, 2016 में मैंने दिया, वहाँ पे 100 बच्चे हुए थे, 100 बच्चे तो पास नहीं होंगे, 100 बच्चे तो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उसमें तो 30 ही बच्चे होते हैं, 30 ही बच्चे पर, लेकिन 70 क्या नाकाबिल थे। फिर 13 साल तक मैंने जो पढ़ाया है एज ए काउंसलर, मैं 17 साल रहा हूँ इग्नू का, दिल्ली से अप्रूव्ड काउंसलर हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। असल में मुझे जो सबसे पहले मुझे जो शौक था मेरे पेरेंट्स का, वो मुझे बड़े शौक से पुचकारते थे, डॉक्टर डॉक्टर,
मैं कहा ह्यूमन डॉक्टर, लेकिन मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट था पहले, तो वो ना बन पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि अपनी मम्मी पापा का ख्वाब कंप्लीट करूं, और मैंने डॉक्टरेट का ख्वाब देखा और डॉक्टरेट मैंने कंप्लीट की 2012 में। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में, आज वो पीएचडी है। कुछ बच्चों को मैंने इतना पढ़ाया है, आज भी मैं पीजी कराता हूँ। फ़ायदा क्या है? कुछ नहीं। मुझे गवर्नमेंट की तरफ एक, मतलब बूढ़ा जिसको हम कहते हैं कि उनके लिए पॉलिसी है, एक